योग समस्याओं की बात करते हैं, हमें समाधान बनना है और योग समाधानम। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की योग चित्त वृत्ति निरोधा योग समाधि योग समाधान व्याख्या करते हुए, उसको स्पष्ट करते हुए, उसके निहितार्थ को बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, योग क्या है? बोले योग है समाधान, सभी समस्याओं का एक समाधान। इसलिए मैंने बार बार कहा है, रोग मुक्त भारत का प्रमाद मुक्त भारत का बड़ी समस्याएं हैं देश की, रोग बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक, गरीबों से लेकर के अमीरों तक, सब जाति वर्ग मजहबों को जिसने अपनी चपेट में लिया हुआ है रोग। पिछले दिनों दुनिया में प्रमाद का जो सेंसेक्स है, प्रमाद की जो मात्रा किस देश में कितनी है उसके ऊपर सर्वे हुआ, उसमें हम दुनिया के सिरमौर मिले। यह अच्छी बात नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा, अब कहेंगे आबादी भी तो ज्यादा है, अरे आबादी के रेशो के हिसाब से भी हम में ज्यादा है स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम्स। भारत का एक भी व्यक्ति दुखी तो होना ही नहीं चाहिए। क्या तो महाराज अश्वपति कहते हैं, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न माद्यपाह न अनाहौताग्निर न अविद्वान न स्वरीश्वरिणी कुताह एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। महाराज अश्वपति और मनु का ये उद्घोष कि हमारे महापुरुषों का जीवन इतना ऊंचा था, उनके जीवन के आदर्शों का अनुकरण अनुसरण करके पूरा विश्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया करता था। हमें दोबारा ऐसा भारत बनाना है, रोग मुक्त भारत, प्रमाद मुक्त भारत, अज्ञान मुक्त भारत, अशिक्षा मुक्त भारत, गरीबी मुक्त, दुख दरिद्रता मुक्त भारत, हिंसा मुक्त भारत, झूठ बेईमानी मुक्त भारत, दुराचार अनाचार व्यभिचार लूट मार जो संग्रहवादी सोच है उससे मुक्त भारत, अपवित्रता मुक्त भारत, असंतोष मुक्त भारत, विलासिता मुक्त भारत, अनात्मवाद से मुक्त भारत, आत्ममुख भागवत विमुख हो रहे हैं। इस अनात्मवाद से माने अपनी निजता से भगवान से ही कहीं दूर हो गए। जातिवाद जातीय संघर्ष से मुक्त भारत, मजहबी संघर्ष से मुक्त भारत, असमानता से मुक्त भारत, इनिक्विटी अन्याय शोषण क्रूरता से मुक्त भारत, वो योग से बनेगा। आरोग्य से युक्त भारत, पुरुषार्थ से युक्त भारत, सुख समृद्धि समानता स्वाधीनता न्याय से युक्त भारत, ऐश्वर्य से सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त भारत, अभ्युदय निःश्रेय से युक्त भारत, अहिंसा सत्य असे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह से युक्त भारत, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान से युक्त भारत, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त भारत। एक शब्द में बोले तो अशुभ से मुक्त और सब प्रकार के शुभ और दिव्यता से युक्त भारत हमें बनाना है। तो योग से